हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अपन बात करते हैं लेवल 2 वालों की, बात करते हैं उनकी क्या है। डीवी की जो प्रोसेस है वो शुरू हो गई है, ठीक है। डीवी जो भौतिक सत्यापन होगा, इनके लिए पहले आपको क्या है, सादा दर्पण पर जाके अपनी जो स्टाफ सिलेक्शन है वहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, अपनी जो ID और पासवर्ड प्राप्त करने हैं, ठीक है। इनके माध्यम से क्या होगा, आप बार बार अपने जो जो आपका स्लॉट नंबर वो, इसके बारे में डॉक्यूमेंट स्टेटस, ये छोटी मोटी जानकारी आपको पता चलती रहेगी। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सादा दर्पण पर जाकर इसको ऑनलाइन करना है, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, आप गूगल करना है कौन सी, सादा दर्पण, जिस प्रकार सिंपली मैं सादा दर्पण पर आ गया, ठीक है। आपको क्या है, इस प्रकार सादा दर्पण अपने मोबाइल लेना है और सादा दर्पण जो वेबसाइट है इसको क्या करना है, इस प्रकार ओपन करना है, ठीक है। देखिए कुछ टाइम ले रहा है गूगल, इस प्रकार से देखिए अपन बात करते हैं, नेट्स काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है। देखिए इस प्रकार का आपके सामने क्या होगा, पॉपअप ओपन होगा। सबसे पहले कौन आएंगे, ये गलोस आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इस प्रकार से इस पेज को आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है, ठीक है, ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है, ठीक है। देखिए काफ़ी धीरे चल रहा है नेट, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं, देखो ये पोर्टल आ गया स्टाफ सिलेक्शन, आपको क्या करना है, सिंपली स्टाफ सिलेक्शन पर जाके क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप स्टाफ सिलेक्शन को क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने एक पॉपअप ओपन होगा, ठीक है। ये पॉपअप क्या कहेगा कि आपको यहाँ पर करंट शेड्यूल है, ऑफिस ऑर्डर है, अबाउट आदि जानकारी मिलेगी। आपको क्या करना है, आपको अपनी ID लॉगिन, जो ID पासवर्ड वो लॉगिन करने हैं, ठीक है। सिंपली देखें सबसे पहले क्या करना है, आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्या करना है, क्लिक करना है इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका देखो इसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल के आएगा सामने, ठीक है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नीचे देखिए ये करंट स्टेटस, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, सेलेक्ट काउंसलिंग। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट काउंसलिंग नहीं करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या डालने हैं, अपने एप्लीकेशन नंबर डालने हैं, क्या डालने हैं, एप्लीकेशन नंबर डालने, मैं अभी डाल नहीं रहा हूँ ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर डालने, फिर क्या अपने DOB डालनी है, ठीक है। DOB डाल के अपन आपको क्या करना है, आपके मोबाइल का जो डाटा है इसको बंद कर लेना है एक बार, डाटा बंद करके इसके बाद में क्या करना है, आपको सेलेक्ट काउंसलिंग पर क्लिक करना है। सेलेक्ट काउंसलिंग क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये जो PS अपर प्राइज, जो PS है एंड UPS है, इन पर सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। इनको क्लिक कब करना है, आपको ये फिलअप कर दिया और अब डाटा स्टार्ट करना है, ठीक है। इनको भर लिया, अब डाटा वापस ऑन कर लो मोबाइल के। इसके बाद में क्या करना है, आपको सिंपली ओके करना है। ओके करने के बाद में क्या करेगा, आपके पास में एक मैसेज आएगा और ईमेल पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी, वहाँ पर आपको ID और पासवर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। ID पासवर्ड यहाँ से आपको मिल जाएंगे, जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने एप्लीकेशन नंबर डालने, इसके बाद में DOB डालना, फिर क्या करना है, मोबाइल के डाटा बंद करने हैं, मोबाइल क्या करने हैं, डाटा बंद करने के बाद में क्या करना है, आपको सेलेक्ट टाइप, मतलब सिलेक्शन टाइप है वो ये काउंसलिंग सेलेक्ट है, इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे काउंसलिंग सेलेक्ट हो जाए उसके बाद में आपको डाटा ऑन करना है, डाटा ऑन करने के बाद में सिंपली ओके करना है। ओके करने के बाद में क्या होगा, आपके सामने एक छोटा सा क्या खुल के आएगा, आपके पास में लॉगिन ID साथ में 5 या 6 अक्षरों की होगी और 6 नंबर के पासवर्ड आएंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, आपको सिंपली इसके बाद में आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर है? इस पेज को ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर स्टार सिलेक्शन बार लॉगिन पर जाना है, ठीक है। ये लॉगिन का जो दिख रहा है, लॉगिन जो ID जो आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिले उसको क्या करना है, यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर फिल करके कैप्चा डालने, कैप्चा डालने के बाद में लॉगिन करने, लॉगिन करने के बाद में आपका जो क्या रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और आप ये ID जो पासवर्ड है ये आप मोबाइल में क्या है, 1 time पासवर्ड के रूम से सर्च कर लेना, ठीक है, OTP के रूम में सर्च कर लेना, ताकि बार बार क्या हो आपको लगाने नहीं पड़े, ठीक है। फिर जो भी आपके स्लॉट या डेट बुक होगी उसकी जानकारी यहाँ पर भी मिल जाएगी और आपको मोबाइल के थ्रू मैसेज और ईमेल ID के थ्रू भी मिल जाएगी, ठीक है। इनको बार बार आपको चेक करते रहना है और आपकी जब भी DV हो तो इसके साथ आपको चेक करके चले जाना, ठीक है। आपके जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे तो इसमें स्लॉट वगैरह, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेशन आदि जानकारी यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में, थैंक यू। इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये अपने ID और पासवर्ड लॉगिन करना है, थैंक यू।